ध्यान से देखिए, क्या हो गया, क्या बोले जा रहा है, पागल हो गया क्या? वे पंकज साले, मुझे पता है तू मुझे मारकर मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है ना? वे साले, दो कच्छों के अलावा क्या है तेरे पास? प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है? भाई मैंने अभी सपना देखा कि मोहल्ले के बच्चे मेरे कच्छे चोरी करके भाग रहे हैं और मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ पट्टे पहन के। क्या यार, कुछ भी। भाई ये कैसी आवाज थी? ये साला हमारे घर में घुस के कौन मूत रहा है? भाई भूत है। अबे चुप, चल मेरे साथ। हाँ, एक मिनट गाइस, इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, लाइक कर दो, पहले लाइक कर। हाँ, कर, ठीक है, कर दिया। चल देखते हैं। अबे ओए, मेरी तो सुन ले। अबे मर जाओगे, मेरी बात तो सुन लो। मत सुनो, एक काम करो, बाहर में जाओ, मर जाओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं और लोगों को बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये है कातिल हसीना जो आपके शहर में घूम रही है और कर रही है लोगों का सरेआम कत्ल। अबे नलायकों, मैं हूं तुम्हारा मकान मालिक। अंकल जी आप भर चलो। चलो अंकल जी, इधर बाहर चलो। अंकल जी, आप हमारे घर में ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस आए? वो क्या है ना, तुम लोग किराया तो दे नहीं रहते, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर में घुसकर कोई कीमती चीज चुरा ली जाए। मेरी गोल्ड की चेन? हाँ, अब मैं यही बेचकर किराया निकाल लूंगा। पंकज, ये तो वही चेन है ना जो तुमने अपने एक्स के पापा की चुराई थी। अंकल जी, मेरी चेन वापस करो। मैंने ना किराया इस विभू को दे दिया, आप इससे किराया ले लो और मुझे मेरी चेन वापस करो। मुझे दे दिया? अरे अंकल जी, मैं खुद इसे 1500 रुपए देता हूँ किराए के नाम के। तू है ना ज्यादा फालतू मत बोल, नहीं तो तुझे मैं बता दूंगा अभी। चुप करके बैठ जा, क्या मेरे 1500 का है फिर वो? अरे इसको क्या हुआ? साले विभू, तूने मेरे हार्ट में मुक्का मार दिया। अंकल जी, आपकी वजह से इस बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, आपको क्या जरूरत थी ऐसे चोरों की तरह घर में घुसने की? सही बात अंकल जी, अब आपको इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। मैं क्यों ले जाऊं? अच्छा नहीं लेके जाओगे, रुको मैं अभी इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ, मर्डर के अगेंस्ट। 100 नंबर ना? 100 नंबर मिला, मर्डर केस लगवा, मर्डर केस। ठीक है, 100। क्या पुलिस? प्लीज पुलिस का मत बुलाओ, प्लीज मैं लेकर चलता हूँ ना। अरे टीवी बंद करना तो भूल ही गया। ध्यान से देखिए इस कातिल हसीना को। देखती हूँ न्यूज एंकर दिन भर पकाता रहता है। अरे अंकल जी, थोड़ी तेज गाड़ी चलाओ ना, इतनी धीरे चलाओगे तो हॉस्पिटल से पहले पंकज स्वर्ग चला जाएगा। अरे अंकल जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा कितना दर्द हो रहा है, आराम से गाड़ी चलाओ। किसने बोला? जल्दी चल। हाँ अंकल जी, आप प्लेटफॉर्म नंबर देखो, मैं टिकट लेकर आया हूँ। सालो, ये कोई रेलवे स्टेशन है? मैं कोई लगेज ट्रॉली हूँ, स्टेशन को ऐसे कुली की तरह कौन लेकर आता है?
जी कहिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? ब्यूटी जी, क्या कहा आपने? बेटी, बेटी बोल रहे हैं आपको। वो क्या है ना, आप इनकी बेटी की उम्र की हो, इनकी शादी हो चुकी है, वो भी दो बार। दो बार? देखा, बोले ना दो बार, बोले ना, इनमें आपको अपनी बेटी दिख रही है। वैसे आप कौन? मैं सिस्टर। क्या सिस्टर? भाई जॉन कर दिया, इलाज बाद में करवा लियो, पहले भैया दोज मना ले। अब तेरा पत्ता भी काट, चले पीछे। हाय, myself गुड्डू। अच्छा, आप अपने बच्चे को टीका लगवाने और पोलियो ड्रॉप लगवाने आए हो? क्या? चल बे छोटे चेतन, पीछे हो जा। देखिए सिस्टर, हमारे पंकज की चेस्ट में पेन है, हम इसका ट्रीटमेंट कराने आए हैं। अच्छा, ये पेन कब से है आपको? वैसे तो जब घर से निकला था तब से था, लेकिन जब से आपको देखा है धीरे धीरे कम होने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे दिल निकल गया था और अब आप में लग रहा है। अबे ओ बुराड़ी के शाहरुख खान, पहले इलाज करवा ले, आज की बाद में कर लियो। आप पहले ये फॉर्म भरिए, उसके बाद ही आपका इलाज होगा। नाम? जलेबी भाई। पूरा नाम बता इसका। पंकज। उमर? शादी की। एक काम कर ले, पहले तो ब्याह कर ले। 23 साल लिखो ना अंकल जी, 23 साल। हाँ, फंस गया मैं निकम्मों के चक्कर में। आपकी शादी हो गई? आप करोगी? अबे ओ, फॉर्म में भरने के लिए पूछ रहे हैं, हफ्सी दरिंदे। अभी नहीं हुई, अभी मैं बैचलर हूँ, लेकिन आप चाहोगी तो ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। ये लीजिए आपका फॉर्म, और पंकज को रख लीजिए, मेरा मतलब है एडमिट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ आइए। देखिए, आप दोनों में से कोई एक ही यहाँ रुक सकता है, तो आप दोनों टॉस करके डिसाइड कर लो किसको यहाँ रुकना है। अंकल जी, आप एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं बाहर जाता हूँ। और हाँ, आप पड़े हो थोड़ा ध्यान रखना, मैंने सुना ये लोग किडनी विडनी निकाल के भेज देते हैं। क्या बात कर रहा है, सच में? हाँ अंकल जी, आप नजर रखो, मैं आता हूँ। सुनिए, जब तक आप ना बाहर जाके मेडिकल स्टोर से दवाई ले आइए। मैं क्यों लाऊं? आप नर्स हो, आप लाओ। अरे जरा सी शर्म है कि नहीं? इतनी भरी जवानी में इतना क्यूट सा फेस लेके ये मार्केट जाती हो, अच्छी लगेंगी क्या? आप ना ज्यादा काम मत किया करो, ये कोमल कोमल हाथ ना खराब हो जाएंगे। आप यहाँ बैठो बेबी, जाओ जाओ। ध्यान से देखिए। मैं मोटे, तू साइड हटेगा तब तो देखेंगे। अबे ओए, न्यू ईयर से तेरे भाई ने भी जिम शुरू कर दिया है, छोटे फालतू कैसे बोल रहा है? अबे तू न्यूज़ सुना जल्दी। ओ हाँ, तो ध्यान से देखिए इस चेहरे को। भाई आज पहली बार तेरा चैनल देखने का मन कर रहा है, कितनी सुंदर हसीना है ये। अबे ओ घोचू, ये सुंदर हसीना नहीं, कातिल हसीना है, और ये शहर के अंदर आ चुकी है। क्या? अबे ओ छोटू, इस कातिल हसीना ने न्यू ईयर पर रिजोल्यूशन लिया है, ये हॉस्पिटल में घुसकर नर्स बनकर हर जवान और कुंवारे लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, उसका खून कर देगी। क्या? अबे साले पूरी न्यूज़ बता दी, अब कह रहा क्या क्या क्या, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अरे तू चुप कर यार। यार ये कातिल हसीना तो इसी हॉस्पिटल में नर्स बन के घूम रही है, अगर उसने मुझे और पंकज को मार डाला तो? क्या हुआ बच्चे, गुम हो गए क्या? अरे क्या हुआ बताकर तो जाओ। अरे क्या हो गया, भूत देख लिया क्या? भाई भूत नहीं, वो सिस्टर कातिल हसीना। क्या बोले जा रहा है? भाई पंकज, हमें अभी कभी यहाँ से निकलना होगा, ये जो सिस्टर है ना ये तेरे लिए हानिकारक है। साले दिखा दी ना अपनी असली औकात, मुझे पता था तू मेरी खुशियों से हमेशा से जलता है। अरे भाई मेरी बात को समझ, तेरी जान को खतरा है। तू चुपचाप यहाँ से चला जा और मुझे मेरी बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने दे, निकल यहाँ से।
क्या बातें हो रही है यहाँ? कुछ नहीं बेबी, वो मैं इस विभू को बोल रहा था कि मेरा फ्लैट खाली कर और अपने रहने का कहीं और जुगाड़ कर ले। क्यों? अब शादी के बाद हमारे साथ थोड़ी रहेगा। अबे ठरकी मर साले, मैं तो अपनी जानू जान बचाने। ध्यान से देखिए। अरे भाई क्या देखूं ध्यान से, जो मरने वाला वो खुद तो देख नहीं रहा। अबे तुझे सुनना है तो सुन वरना मटर छील। तो अभी अभी खबर आई है कि यह कातिल हसीना अपने शिकार को मारने से पहले उन्हें खिलाती है रंग बिरंगी नशे की गोलियां और फिर करती है अपने शिकार का मर्डर। क्या क्या हुआ बेटा, उड़ गए ना होश? अबे आगे बोलना। यह गोलियां खाकर शिकार बेहोश हो जाता है और जिससे इस कातिल हसीना का काम आसान हो जाता है। काम आसान, इसका मतलब? अबे यार अब इसका भी मतलब समझाऊं, तू एक काम कर जाके कार्टून देख। अबे चुप रहे यार तू, कहीं ये कातिल हसीना तेरे पंकज भाई को मार ना दे। साले तुझे क्या हो गया, ये क्या पागलपंती कर रहा है? तुमने ये क्या किया, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। साले तुझे क्या हो गया, मेरी बेबी की पूरी ड्रेस खराब कर दी तूने, चला जा यहाँ से। अरे भाई लेकिन सुन तो, यहाँ से चला जा। अरे भाई चल यहाँ से निकल। कातिल हसीना से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अबे वो मेरी नहीं सुन रहा और तू सुनाए जा रहा है, बता। अभी अभी खबर आई है कि ये कातिल हसीना अपने शिकार की धड़कनें बंद करने से पहले सुनती है उनकी धड़कन और वो भी अपने कानों से। क्या? अबे अब तुझे क्या हो गया? अरे अंकल जी आप कहाँ चले गए थे, जब आपकी जरूरत होती है आप पता नहीं कहाँ चले जाते हो। अरे मैं तो सामान लेने गया था, डॉक्टर ने कुछ सामान मंगाया था, वो अंदर देकर आया हूँ। तू बता तुझे क्या हुआ? समझे? क्या इसका मतलब वो सिस्टर ही कातिल हसीना है? हाँ अंकल जी हाँ। अंदर चल, हमें पंकज को बताना होगा। चलो अंकल जी, ये तो पंकज के दिल की धड़कन सुन रही है। मरा पंकज आज तो मरा। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, पीछे से जाकर इस कातिल हसीना को इससे ढक देता हूँ और तू फिर डंडा मार देना। ठीक है। ए तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये क्या करो मेरी बेबी के साथ? अरे भाई ये लड़की असली नर्स नहीं है, ये कातिल हसीना है, एक बहुत ही फेमस खूनी मर्डरर। साले कुछ भी बकवास किया जा रहा है मेरी बेबी के बारे में। अगर तुझे यकीन नहीं है ना तो बाहर हमारे साथ चलकर न्यूज में देख ले। ठीक है, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो आ जा। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, शहर में घूम रही है खूंखार कातिल हसीना। साले अंडा है क्या, तुझे किस एंगल से मेरी बेबी दिख रही है? उस बेचारी को जबरदस्ती बांध दिया तुम लोगों ने। अरे भाई ये वो नहीं है। अरे मैं भी तो कह रहा हूँ ये वो नहीं है, तू अंधा है क्या? अरे अंकल जी आप इसे समझाओ। बस बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, मैं जा रहा हूँ अपनी बेबी को खोलने और उससे माफी मांगने। तुम लोगों की वजह से साला ब्रेकअप हो जाता सेटिंग होने से पहले ही। यार ये फोटो कैसे चेंज हो गई? मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कातिल हसीना की बजाय अपनी बीवी की फोटो लगा दी थी, तो मुझे माफ कर दो। ये है कातिल हसीना, ध्यान से देखिए इस चेहरे को। क्या पहले तेरे चक्कर में हमारा दोस्त पंकज मारा जाएगा? अभी अभी नई खबर आई है कि ये कातिल हसीना अपने शिकार पर लाल कलर के इंजेक्शन से वार करती है। लाल इंजेक्शन? क्या हुआ अंकल जी? ये इंजेक्शन तो लेने भेजा था उस कातिल हसीना ने मुझे मेडिकल की दुकान से। क्या
वीडियो के अगले पार्ट के लिए यानी पार्ट 5 के लिए कमेंट कर देना, बहुत सारे कमेंट कर देना, पार्ट 5 आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो रेड वाला बटन इसे दबाओ, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।